तो फ्रेंड्स, पोकेमोन की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो होने वाली है मे के टॉप 5 पोकेमोन के बारे में। तो यार, मे के बारे में तुम नहीं जानते, वैसे तो हर पोकेमोन को पता ही होगा कि मे कौन है, बट जिनको नहीं पता उनको बता ही देता हूँ। मे एक करेक्टर है जो ऐश का साथ देती है होइन की सीरीज में अपने छोटे भाई मैक्स के साथ, और उनके साथ ब्रोक भी होता है। तो यार, मे स्टार्टिंग में ट्रेनर नहीं बनना चाहती थी, वो सिर्फ पूरी दुनिया को घूमना चाहती थी, हर रीजन को घूमना चाहती थी, यही उसका स्टार्टिंग में सपना था। बट बाद में उसे रियलाइज हो ही जाता है कि वो एक अच्छी ट्रेनर भी बन सकती है। उसके पास बहुत अच्छे अच्छे पोकेमोन्स हैं, भले ही 7 पोकेमोन हो पर यार बहुत ही पावरफुल पोकेमोन है। तो उनके बारे में अगर जानना चाहते हो तो अभी एक लाइक मारो, और यार जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो बिना कोई वक्त वाए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ सिकंदर, यूं कटते लंबे रास्ते, सभी साजा मेरे दोस्त हैं, नहीं थके रुके ना कभी, एडवांस पैदल है चुनौती कड़ी, जमी आसमां और सागर से। तो नंबर 5 पर वो मेकअप पोकेमोन जो एग से निकला है और नॉर्मल टाइप से आइस टाइप में इवोल्व हो जाता है। तो यार, आधे से ज़्यादा लोग तो जान ही गए होंगे, वो है ग्लेशियन। तो ग्लेशियन जो है ना यार, वो बहुत ही पावरफुल ईवी का एक इवोल्यूशन है, और यार मेरे को ईवी बहुत पसंद है। तो सबसे पहले बता दूँ, मेरे को एक एग मिलता है और वो एग से जो होता है ईवी। ईवी तो बहुत प्यारी होती है स्टार्टिंग में, मेरे को यार ईवी की आवाज़ भी बहुत क्यूट लगती है। और जब ईवी को एक आइस शार्ट दिखता है एक पोकेमोन जगह पर, वहाँ पर वो ग्लेशियन में इवोल्व हो जाती है। तो ग्लेशियन में इवोल्व होके ईवी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, असल हम ईवी कह सकते हैं क्योंकि यार वो ईवी से इवोल्व हुई है। और ईवी का स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा होता है, बट ग्लेशियन अपना कमाल वैलेंस कप में दिखाती है। और तुम्हें ही पता है यार, अगर तुम एक पोकेमोन को इवोल्व करते हो तो तुम्हारी फ्रेंडशिप और तुम्हारा जो लव है पोकेमोन के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। वैसे अगर हम ग्लेशियन के कुछ पावरफुल अटैक्स देखें तो वो है शेडो बॉल, आयरन टेल, आइस शार्ड, आइस बीम। यार ग्लेशियन बहुत कमाल की पोकेमोन है, और इसीलिए वो हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर जगह जरूर बनाती है। तो नंबर 4 पर वो मेकअप बग एंड फ्लाइंग टाइप पोकेमोन जो यार बहुत ही क्यूट है, और यार वो स्टार्टिंग में बहुत यूज़ करती है पर बाद में इतना यूज़ नहीं कर पाती, और वो है ब्यूटीफ्लाई। तो ब्यूटीफ्लाई यार मे को बहुत प्यार करती है, उसके लिए बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव नेचर होता है, और हमेशा मे को एनकरेज करती है दूसरे पोकेमोन्स पकड़ने के लिए, और उसकी हमेशा हेल्प भी करती है। और ये मे का सेकेंड पोकेमोन होती है ब्यूटीफ्लाई, और ब्यूटीफ्लाई को यार जितना मैंने स्टार्टिंग में यूज़ करा उतना यार बाद में तो यूज़ करा नहीं, ये तुमने नोटिस करा होगा। पर ब्यूटीफ्लाई जो है यार, उसके अगर मूव्स देखें कुछ पावरफुल तो वो है साइकिक, एरियलेस और गस्ट। तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 3 पर जो पोकेमोन जगह बनाता है वो है वोटोटल। तो वोटोटल स्क्वर्टल का मिड इवोल्यूशन, और बाद में ब्लास्टोइस में इवोल्व होता है, पर मे ने उसे सिर्फ वोटोटल बनाए रखा। वैलेंस कप से पहले स्क्वर्टल वोटोटल में इवोल्व हो जाता है। स्क्वर्टल का नेचर बिल्कुल ऐश के स्क्वर्टल के नेचर की तरह होता है, हर किसी से मजे लेना और हमेशा मस्ती करना। और जब वो वोटोटल में इवोल्व हो जाता है तो वो एक ब्रेव और कॉन्फिडेंट वॉरियर की तरह होता है। और वोटोटल यार मे को बहुत प्यार करता है, हम सबको पता है किसी पोकेमोन को अगर हम इवोल्व करेंगे तो हमारा उस पोकेमोन के साथ एक खास रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब बहुत प्यार वाला नेचर होना चाहिए। और यार मे का उसके साथ नेचर अच्छा भी था। तो वोटोटल यार बहुत ही औसम पोकेमोन है, इसने वैलेंस कप में मे को काफ़ी जीतें दिलाई, और मे इससे बहुत खुश है। और अगर हम कुछ वोटोटल के खास मूव्स देखें जो यार मेरे को बहुत पसंद है, वो है एक्वा टेल, रैपिड स्पिन, आइस बीम और साथ साथ वाटर गन। तो यार इसीलिए वोटोटल हमारी इस लिस्ट में नंबर 3 पर जगह जरूर बनाता है। तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 2 पर वो पोकेमोन जो है कैंटो का एक पावरफुल स्टार्टर है, और वो है बल्बासोर, जो बाद में इवोल्व होता है आइवसोर और फिर वीनासोर में। और मे के पास वीनासोर आ ही जाता है जब वो सीनो सीरीज में आती है, तब ऐश और बाकी दोस्तों को बताती है यार कि उसका बल्बासोर वीनासोर में इवोल्व हो गया। तो अगर हम देखें कि बल्बासोर मे को कैसे मिला तो वो यार बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मे पर बहुत सारे ग्रास टाइप पोकेमोन अटैक कर देते हैं, और फिर मे को बचाता है बल्बासोर उसके पावरफुल अटैक पैटल डांस से। और यार बल्बासोर का यही प्रोटेक्टिव नेचर मे को बहुत अट्रैक्ट करता है, और मे के पास एक बल्बासोर आ ही जाता है। मे का बल्बासोर ऐश के बल्बासोर से बहुत अच्छी दोस्ती रखता है, वो दोनों बहुत मजे करते हैं। और यार इस स्टोरी से हमें ये भी पता चलता है कि यार मे का बल्बासोर मे को बहुत प्यार करता है, और उसके लिए एक प्रोटेक्टिव नेचर रखता है। इसीलिए यार बल्बासोर वीनासोर में इवोल्व भी हो पाया, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब ट्रेनर कोई पोकेमोन को इवोल्व करता है तब उसका एक लविंग नेचर भी होना चाहिए पोकेमोन के साथ। तो यार अगर हम वीनासोर के कुछ पावरफुल अटैक्स देखें वो है वाइन वेप, रेजर लीफ, पेटल डांस। हालांकि पेटल डांस तो उसने स्टार्टिंग में ही सीख लिया था जब वो मे से मिलता है, इसीलिए यार वीनासोर हमारी इस लिस्ट पे नंबर 2 पर जगह जरूर बनाता है।
तो यार नंबर वन पर जो पोकेमोन हमारी इस लिस्ट में जगह बनाता है वो तो यार आधे से ज्यादा लोगों को पता ही होगा, क्योंकि यार हुइन सीरीज तो अब टीवी पर भी आने लग गई है, वो भी मार्वल एचक्यू पर। मैं कोई मार्वल एचक्यू को प्रमोट नहीं कर रहा, पर अगर तुम्हें हुइन सीरीज हिंदी में देखनी है तो तुम टीवी पर देख सकते हो। टाइमिंग तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगी जब तुम टीवी चालू करोगे। तो यार वो है ब्लेजिकेन। तो ब्लेजिकेन स्टार्टिंग में तो टॉर्चिक, फिर कंबस्कन और फिर लास्ट में इवॉल्व हो जाता है ब्लेजिकेन में। ब्लेजिकेन होइन का बहुत ही पावरफुल पोकेमोन है। और यार एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जितना टॉर्चिक स्टार्टिंग में रोता था और डरता था बैटल करने से, उतना ही ब्लेजिकेन में इवॉल्व होके उतना ही पावरफुल और ब्रेव बन जाता है। यार ब्लेजिकेन का मेरे को डिज़ाइन और यार पोकेमोन बहुत ही ऑसम लगता है। तो यार मुझे होइन सीरीज में सेप्टाइल और ब्लेजिकेन बहुत अच्छे लगते हैं। अगर तुम्हें भी वो पसंद है तो यार अभी कमेंट में बताओ कि तुम्हें सेप्टाइल और ब्लेजिकेन में कौन ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी के अभी वीडियो को पॉज करो और बताओ। तो यार अगर हम स्टार्टिंग में देखें टॉर्चिक के बारे में, टॉर्चिक भी अच्छा पोकेमोन होता है, पर जब वो कंबस्कन में इवॉल्व होता है तो यार वो सीधा स्काई अपरकट सीख जाता है। और जब कंबस्कन ब्लेजिकेन में इवॉल्व होता है तो यार उसकी क्या कहना, ब्लेज किक भी सीख जाता है। तो कंबस्कन का बीच में बिहेवियर चिकोटीटा की तरह हो गया था, वो यार मे का अटेंशन पाना चाहता था, जैसे ऐश का अटेंशन पाना चाहती थी बीच में चिकोटीटा, तुम्हें जोटो में याद हो। तो ब्लेजिकेन के कुछ अगर हम पावरफुल मूव्स देख लें तो वही ठीक रहेगा, ब्लेज के एक स्काई अपरकट और भी बहुत सारे पावरफुल मूव्स हैं। यार ब्लेजिकेन मेरे का बहुत ही अच्छा पोकेमोन है और वो उससे बहुत प्यार भी करता है। और ब्लेजिकेन यार फर्स्ट पोकेमोन था मेरे का, और तुम्हें ही पता है अपने स्टार्टर पोकेमोन से हर ट्रेनर का अलग ही लगाव होता है। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जल्दी से जल्दी यार 100K कर दो यार, प्लीज़ मत रुलाओ यार इतना। और यार मैं देख रहा हूँ व्यूज़ नहीं आ रहे, क्या प्रॉब्लम है? तो मेरे कमेंट्स से बताओ, इस बार मुझे कमेंट्स एंड लाइक्स दोनों ही चाहिए। और यार मैं व्यूज़ का एम रख रहा हूँ 20K व्यूज़। यार मुझे पता तुम इतना शेयर कर दोगे, कर ही दो यार प्लीज़, 20K व्यूज़ तो करवा ही दो यार, रिक्वेस्ट है यार। तो हाँ यार अगली वीडियो मिलेंगे, तो तब के लिए गुड बाय। और यार देखता हूँ तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगे, 20K व्यूज़ तो यार करवा ही दो प्लीज़। और हाँ यार संडे को अल्टीमेट कोलैब आने वाला है, तो यार बी रेड। मुझे तो शिकार।